Bye. Speed. Sound production, take one. Hello guys. Oh no. Roll sound. Rolling. Sound production, take two. Hello guys. Welcome to a new video. And आज होने वाला है. Yeah. Oh no. Oh dear. Ansari got talent. Action. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस. और आज की जो वीडियो होने वाली है कुछ होने वाली है नई. और वो क्या होने वाला है? तो यहाँ आ रहे हैं हमारे फर्स्ट जज जो कि है अनु मलिक. तो आ रही है हमारी अभी सेकेंड जज गीता मैम. तो हमारे यहाँ आ रहे हैं लास्ट और ग्रैंड जज हमारे मिथुन दा. नमस्कार बच्चे लोग. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम और अपने पहले कंटेस्टेंट के साथ अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. चलो. तो पहला कंटेस्टेंट है हमारा सबसे छोटा कंटेस्टेंट इस घर का अंसारी हाउस का और वो है ये. तो इनका होने वाला है डांस परफॉर्मेंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गीता माँ कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? बाद में पूछते आपका. कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा शानदार था शो. छोटे से बच्चे ने बहुत अपना इम्पोर्टेंट डांस का स्टेप्स दिखाया. बहुत अच्छा लगा. इसे ग्रैंड जज कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा, बहुत शानदार है. मजा आ गया? बहुत अच्छा लगा. मजा आ गया? बहुत अच्छा लगा. छोटी बच्ची ने बहुत अच्छा किया. तो यहाँ आ गए हैं हमारे सेकंड कंटेस्टेंट. तो चलिए उनके पास चलते हैं और उनसे इनका इंट्रो लेते हैं. तो बताइए आपका नाम क्या है? सोया. और आप क्या करने वाले हो आज? डांस. और आपका क्लास? तो चलिए इनका परफॉर्मेंस देखते हैं. और चलिए अब हम जल्दी से हम जजेस का अपना इस बच्ची का परफॉर्मेंस का रिव्यू ले लेते हैं. तो हमारे अनु मलिक जी बताइए बच्ची का परफॉर्मेंस कैसा था? रोहित का बहुत अच्छा था, दिखने में बहुत अच्छा लगा, वहाँ काफी जोश था. वेरी गुड. बच्ची ने बहुत अच्छा डांस किया. अपने एज के हिसाब से उसने बहुत अच्छा किया. ऊपर से सुपर से भी ऊपर. बहुत अच्छा डांस था. उस डांस को मैं सैल्यूट करती हूँ. तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड कंटेस्टेंट के पास में और पूछते हैं उनसे वो क्या करने वाले हैं. चलिए तो बताइए आज आप क्या करने वाले हैं? मैं पहले आप अपना नाम बताइए. मान अच्छा. और आप कौन सी क्लास में? सिक्स्थ. सेवेंथ.
कंफ्यूज है बेचारे। लेकिन ठीक है, सेवेंथ में आप, और आप आज क्या करने वाले हैं? आज हम एक पेंटिंग बना रहे हैं। हमारा टैलेंट ये है कि हमने एक पेंटिंग बनाई है वर्ल्ड क्लास मंडाला आर्ट को, तो जजेस को हम दिखाएंगे, उनसे रेटिंग लेंगे कैसी है। ठीक है, तो चलिए इनकी पेंटिंग दिखाते हैं जजेस को और उसको देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए हमारी मंडला आर्ट। इस पेंटिंग को क्या बोलते हैं, मंडला आर्ट। तो ये आपने कब बनाया है ये चित्र? ये मैंने आज ही बनाया है। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी कलाकार है। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। आप इससे भी अच्छे अच्छे बनाओगे। कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। दूर गांव से आए थे सब, गरीब गांव से सब, हम रिक्शा चलाते हैं। अब हम बिहार से सब, गरीब फैमिली से, हमारी माँ रिक्शे वाली है, उनके पैर नहीं है। हमारे पापा श्री बर्तन धोते हैं, उनके हाथ नहीं है। कुछ करिए साहब, डोनेशन दीजिए साहब, प्लीज साहब। जय जय जय। बस बहुत हो गया, अरे कान पक गया हमारा। गलती हमारी हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। हाथ पे हाथ पे हंसते हंसते गलत हो गया। तो चलिए बहुत हो गया मजाक, अब चलते हैं अपने चौथे कंटेस्टेंट के पास। तो चलिए चलते हैं उनके पास, वो क्या करने वाले हैं। तो आपका नाम क्या है? आपने अपने से डराया क्यों? मेरा नाम हरियाणा है। और कौन सी क्लास में आप? सेवन। और करनी क्या वाले हैं आज? ओ, तो ये क्या था फिर आपका, हमारे डराने का प्रोग्राम बना के आए थे क्या? चलिए मैं लगा लेती हूँ आपको। आप और रूबिक्स क्यूब ऐसे सॉल्व करने वाले हैं कि कोई इसको बिगाड़ के देगा आपको? इनका इससे पता चलता है कि इनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही क्यूब को सॉल्व करते रहिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही क्यूब को सॉल्व करते करते आप पढ़ाई में भी आगे बढ़िए और अपना भविष्य अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन तो हमारा जो फोर्थ कंटेस्टेंट था, उन्होंने बहुत ही अच्छा टैलेंट दिखाया अपने को, और उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का हम लोग को बहुत ही अच्छा एक प्रदर्शन दिखाया। तो अभी हम चलते हैं अपने फिफ्थ कंटेस्टेंट के पास और देखते हैं वो क्या करने वाले हैं। तो चलिए, तो आपका नाम क्या है? फौजिया। और आप कौन सी क्लास में? एट। और आज आप क्या करने वाले हो? डांस। तो आज हम इनका डांस परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। This night is cold in the kingdom, I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking, your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity. Please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, down. Let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be
एकदम फ्लोर फ्लोर पकड़ा है, शाबाश। तो आज आज आपने सही में अनु मलिक की मैं बात कहूंगी कि आपने आग लगा दी, सही में आग लगा दी, है ना ऑडियंस? जय बोलिए। तो चलिए अब जल्दी से हम जजेस की भी राय ले लेते हैं। तो चलिए अनु मलिक जी बताइए कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? जो हमारी जो अभी पार्टिसिपेंट थी फौजिया, उसका डांस बहुत ही हमें अच्छा लगा देखकर। डांस में काफ़ी जोश भरा था और बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और आगे फ्यूचर में इनके भविष्य के उज्जवल कामना करते हैं। थैंक यू। कैसा लगा? शब्द खत्म हो गए, इतना अच्छा परफॉर्मेंस लगा हमारे। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हम कोरिया में आके बैठ गए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट के पास में और देखते हैं वो क्या करने वाले हैं। नाउ तो आप लोगों ने देखा ये कितना क्यूट कॉकरोच था, तो बस इसके हम जजेस के पास जाके इसका हम रिव्यू लेते हैं। चलो, आपको कैसा लगा ये छोटा सा परफॉर्मेंस बच्चे का? आरएम का जो कॉकरोच का जो रोल था बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत दिल को अच्छा लगा, और इसको देख कैसा लगा कि ऐसे कॉकरोच हमारे हर घर में, हर घर के कोने में होने चाहिए। बहुत अच्छा। कॉकरोच बहुत क्यूट है, ठीक है। वो कॉकरोच को मैं अपने घर लेके जाऊंगी और अच्छे से उसको तेल दूंगी पीने के लिए, वो अच्छे से तेल पिएगा और मोटा जाएगा। कॉकरोच बहुत अच्छा है, हम चाहेंगे कि वैसा कॉकरोच सबके घर में एक एक रहे। तो चलिए चलते अपने लास्ट कंटेस्टेंट के पास। तो बताइए आपका नाम क्या है? और आप कौन सी क्लास में? और आज आप क्या करने वाले हैं? पुशअप्स। तो यही करने वाले हैं पुशअप्स। तो चलिए देखते हैं कि ये 1 मिनट में कितने पुशअप्स करते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्म किया है, आपने 1 मिनट में 52 पुशअप्स किए हैं, जो कि काबिले तारीफ है सच। तो चलिए चलते हैं और इनका रिव्यू लेते हैं जजेस के पास से। नुमान जो हमारी पार्टिसिपेंट, उन्होंने कितने 52 पुशअप किए, काफी एनर्जेटिक है। आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा किया है, ऐसा ही करते रहो, हिम्मत बढ़ाते रहो बस। नौमान ने बहुत अच्छा किया है, वो और भी आगे कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी दमदार सारी, आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने की है। तो बस इसी के साथ अब हम अपना ये अपना सारी गॉड टैलेंट यही समाप्त करते हैं। तो अभी अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई है, एक न्यूज आई है कि हमारे पास एक और कंटेस्टेंट है, जो कंटेस्टेंट नहीं है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है, जो हमारे लिए, हमारे जजेस के लिए कुछ बना के लाई है। तो बुलाते हैं उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री। तो आइए हमारे पास। तो ये आपने क्या बनाया और किसके लिए बनाया है? ये मैंने केक बनाया है सारे जजेस के लिए। तो उन्होंने बनाया है बनाना केक, इन्होंने बनाया है जजेस को रिश्वत करने के। तो आप अपना पहले नाम बताइए। शाहिना। तो इनका नाम है शाहिना। और आप कौन सी क्लास में हैं? मैं जॉब कर रही हूँ। ठीक है, तो इन्होंने जजेस के लिए एक बहुत ही शानदार बनाना केक बनाया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो ये कितना सुंदर है। तो इसको काटेंगे हमारे ग्रैंड मास्टर मिथुन दा। रमितुन दा, प्लीज इसको काटिए।
मलिक जी से। केक बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत स्वादिष्ट है, थैंक यू। और ग्रैंड मास्टर मीटिंग बनाना केक है, लेकिन हम थोड़ा सा खाएंगे, मैं शुगर पेशेंट हूँ इसलिए, लेकिन टेस्टी बहुत है। और गीता मैम जी आपको कैसा लगा? बहुत यम्मी है। अभी ये वीडियो के बाद आप ये सारा खा जाएंगी। और यहाँ पे हमारी ये जो ऑडियंस थी ये पूरी वानर सेना, ये पूरा का पूरा केक के ऊपर झपट्टा मार चुकी है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो हम आपको अपने कैमरे के पीछे छुपे हुए कैमरा मैन को भी मिला देते हैं, ये देखिए हमारे कैमरा मैन। शुक्रिया शुक्रिया। इनको भी हमने केक का स्लाइस दे दिया, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया केक है, इट्स डिलीशियस। जिंदगी में पहली बार केक खाया।